देखो, मेरी इच्छाएं और आपकी इच्छाएं में कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं है, समझे? यहाँ पर मेरे जितने भी दोस्त होंगे ना, भाई बहन होंगे, मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा कि मेरी इच्छाओं में और आपकी इच्छाओं में कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं है। जो इच्छाएं आपकी हैं वही इच्छाएं हमारी भी रही हैं, वही दौर से गुजर कर हम भी यहाँ आए हैं। और ज्यादा समय नहीं हुआ, 1-1.5 साल हुए, ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक हो सकते हैं, कह सकते हो, ठीक है? तो जो सपना आपका भी रहता है ना तैयारी करने वक्त, जैसे अभी आपका है, अरे कमाएंगे तो एकदम बढ़िया वाला ब्रांडेड घड़ी पहनेंगे, बढ़िया वाला ब्रांडेड वैलेट रखेंगे, बढ़िया वाला शर्ट पहनेंगे, बढ़िया वाला टी शर्ट पहनेंगे, जूते बदलेंगे, ठीक है? जाएंगे एकदम मैडम के साथ तो टपरी पे चाय नहीं पियेंगे, कैफे कॉफी डे लेके जाएंगे, समझ रहे हो बात को? अभी मूवी का टिकट खोजने के लिए सबसे सस्ता वाला सिनेमा हॉल खोजते हो, तब सोचते हो एकदम ड्यूप्लेक्स में जाएं, PVR में जाएं, ठीक है? और एकदम बढ़िया से पॉपकॉर्न जबरदस्ती का मंगाएं, चाहे घर पे अभी किसी भी तरीके से खा लो। तो सेम हर इंसान के कुछ बहुत इच्छाएं जो होती है ना, वो होती है कि इंसान कमाता क्यों है, मेहनत क्यों करता है, कि एक्स्ट्रा वैकेंट लाइफ को जीने के लिए, जिसमें जो है ना खुद के लिए शायद सुख कम हो, दुनिया को दिखाने के लिए चीज़ें ज़्यादा होती हैं, समझ रहे हो बात को यहाँ पे? और ये जो है ना असल में इच्छा जो है ये हमारे अंदर उत्पन्न हमारे आसपास के लोगों को देख के होती है, ठीक है? 100 में से 1 आधा लोग ऐसे होंगे जो बड़ा सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाली बात रखते होंगे, लेकिन फिर भी रहना खाना ये इच्छा तो हर किसी के अंदर आती है, करें ना करें वो अलग बात है, बट ये जो इच्छा मैं कह रहा हूँ ना, जो एक फीलिंग है, वो हर किसी के अंदर आती है। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी क्यों नहीं होगा, उनके अंदर भी इच्छा आई होगी, गांधी जी के भी अंदर आई होगी, बट वो डिसीजन उनका था कि नहीं हम सिंपल लाइफ जियेंगे। सुभाष चंद्र बोस के अंदर भी आई होगी, लेकिन उनका डिसीजन था कि हम सिंपल रहेंगे, ठीक है? तो ये है ना, जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो असल में, जैसे मानिए मुखर्जी नगर आइए आप, मुखर्जी नगर का परिवेश देखिए, माहौल देखिए, ठीक है? ये लड़की बोलेगी, अरे यार तू तो शॉर्ट्स पहन के घूम रही है, तो हम कैसे नहीं पहने, हम भी पहन के घूमेंगे। लड़का बोलता है, अरे KTM लेके आया है पूरा, एकदम आसपास का लोग उसको देख रहा है, पक्का बड़ा होके KTM खरीदेंगे। कुछ नहीं सही तो देखो, वो टीचर BMW से आए थे, मर्सिडीज से आएंगे तो हम भी खरीदेंगे। अब ये परिवेश ही ऐसा होता है, अब इसमें क्या करोगे बताओ, पहले रोक ही नहीं सकते अपने आप को। तो इसीलिए ऐसा नहीं है यहाँ पर कि हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो फीलिंग है, वो कुछ अलग है, हर किसी की होती है यार, ठीक है? कभी वक्त मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। और आप लोगों की तो सरकारी नौकरी लग जाने दो भाई साहब, फिर उसके बाद देखो आप लोग कितनी तबाही मचाने वाले हो, रुकने वाले आप लोग कहाँ हो, बिल्कुल भी नहीं रुकोगे, ठीक है?